नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रक्तदान उत्सव आयोजित कर बिहार बंगाली समिति ने दी श्रद्धांजलि। रेंज डीआईजी और एसएसपी ने बात थाना का किया औचक निरीक्षण, लंबित कांडों के निष्पादन और अपराधियों पर नकेल कसने के दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस पर भागलपुरी सिल्क से बने तिरंगे की बड़ी डिमांड, राजधानी समेत कई जिलों से मिला ऑर्डर। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा हुसैनाबाद का कुरैसी टोला, रुपए लेन देन विवाद को लेकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली। और सड़क सुरक्षा का संदेश देने निकली हेलमेट बाइक रैली, डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नेताजी के जन्मदिन को लेकर भागलपुर के आदमपुर स्थित छोटी दुर्गा चरण प्राथमिक विद्यालय परिसर में बिहार बंगाली समिति की ओर से आदर्श रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत लाजपत पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। वहीं रक्तदान शिविर में 25 नए रक्तदाताओं के साथ कुल 125 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सोमेन चैटर्जी ने कहा कि रक्तदान करने से न सिर्फ दूसरों का बल्कि अपना भी लाभ होता है और रक्तदान से कभी भी शरीर को कोई हानि नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का रक्तदान उत्सव सामाजिक कार्यकर्ता राजीव बैनर्जी की स्मृति में मनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि देश में कितने ही लोग रक्त के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम सभी को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए रक्तदान करना चाहिए। मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रत्ना मुखर्जी, सचिव जयजीत घोष, निरुपम कांतिपाल समेत कई लोग मौजूद थे। ये पराक्रम दिवस के दिन 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार बंगाली समिति ये रक्तदान उत्सव मनाती है। मैंने कई बार अभी बाइट्स दिए और लोगों से मैंने यही कहा कि हम लोग इसको आयोजन के रूप में नहीं, एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ माहौल एक उत्सव जैसा माहौल है। उत्सव इसलिए मना जैसा करते हैं कि लोगों में जो एक भय है रक्तदान के प्रति, उस चीज से हम उनको निकालना चाहते हैं। हम समाज में ये एक संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान किसी भी तरह से कोई भी हानिकारक चीज नहीं। डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी नित्याशा गुड़िया सहित वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने बात थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने अभिलेखों की पड़ताल की और केस डायरी का निरीक्षण किया, साथ ही थाना के सभी मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। बाथाना क्षेत्र में लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारी आज निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं डीआईजी ने थाना अध्यक्ष अमित कुमार को थाने की साफ सफाई और सौंदर्यकरण का निर्देश दिया, साथ ही बात थाना के विभिन्न कांडों के कागजातों को देखते हुए अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। पत्रकारों से बातचीत में डीआईजी ने बताया कि वह थाना क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और क्राइम कंट्रोल को लेकर थाना अध्यक्षों को सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। और वार्षिक निरीक्षण के दौरान मैंने थाना के सभी अभिलेख जो है उनका निरीक्षण किया और साथ ही साथ कुछ कांड जो लंबित हैं उन कांडों की समीक्षा भी की और जो भी संपत्तिमूलक कांडों के अपराध कर्मी हैं उनके ऊपर क्या निगरानी की हमारी प्रक्रिया है उसको ठीक से देखा और कुछ अपराध नियंत्रण इत्यादि को लेकर निर्देश। भागलपुरी सिल्क से तैयार तिरंगा गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में शान से लहराएगा। यह तिरंगा विशेष रूप से भागलपुर खादी भंडार के द्वारा तैयार किया गया है। भागलपुर जिला खादी ग्राम उद्योग संघ के प्रबंधक मयाकांत झा ने बताया कि लंबे समय से गांधी मैदान में भागलपुर का ही तिरंगा फहराया जाता रहा है। वहीं मयाकांत झा ने कहा कि यहां तैयार तिरंगा बिहार के अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में भी जाएगा। इधर गणतंत्र दिवस पर सिल्क साड़ी और अंग वस्त्र का क्रेज भी युवतियों में बढ़ा है। इतना ही नहीं, इस बार गणतंत्र दिवस पर झारखंड में होने वाले राजकीय समारोह में भी भागलपुर सिल्क से तैयार तिरंगा ही लहराएगा और इसे भी भागलपुर के खादी भंडार में ही तैयार किया गया है।
सिल्क से बने इस तिरंगे की कीमत 4200 रुपए है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पटना रांची के बाद खादी तिरंगे की डिमांड कई राज्यों और जिलों से आ रही है। वहीं 5 लाख रुपए की बिक्री के लक्ष्य इस साल अभी तक 1 लाख रुपए के झंडे बिक चुके हैं, जबकि पिछले साल 5 लाख रुपए से अधिक के झंडे बिके थे। बता दें 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर 1 माह पहले से ही यहां झंडा बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है और रंगाई छपाई और सिलाई का काम स्थानीय स्तर पर किया जाता है। खास बात यह है कि शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार के लिए भी सिल्क सिटी भागलपुर में तिरंगा तैयार होता है। स्वतंत्र दिवस पर जो है सो सिल्क का झंडा जो झारखंड, बिहार और हर जिले के डीएम के यहाँ गया है, उसकी बिक्री काफी हुई है। उसके बाद जो है सूती झंडा है खादी का, कुर्ता पैजामा बंडी ये सब जो भी सब बना करके रखे हुए हैं और वो बिक रहा है, अच्छे खासे जो है सो निकल रहा है। और झंडा जो है सो सिल्क का ज़्यादा ही इस बार देखने को मिला। गांधी मैदान में 100 रुपये का पड़ता वो भी गया है भागलपुर जिला का। भागलपुर में अपराध का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद स्थित कुरैशी टोला का है, जहां अपराधियों ने शुक्रवार की रात अचानक सरेआम पिस्टल लहराकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्थानीय निवासी मोहम्मद जमाल कुरैशी के 28 वर्ष पुत्र टिंकू के पैर में गोली लग गई। वही घटना को लेकर टिंकू ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसने नियाज कुरैशी को नकद रुपए उधार के तौर पर दिए थे। साथ ही कहा कि बाद में जब कभी उसे पैसे की मांग करता था तो नियाज उसे धमकियां देने लगता था। बताया जा रहा है कि नियाज का आपराधिक छवि के लोगों के साथ उठना बैठना है और वह मवेशियों का अवैध व्यापार भी करता है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन ने घायल टिंकू को फौरन इलाज के लिए JLNMCH अस्पताल में दाखिल कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे खतरे से बाहर बताया। वही घटना की जानकारी मिलते ही बबरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर टिंकू के परिजनों से पूछताछ करने लगी। उन लोग आता है पैसा कौड़ी मांगता है, आदमी ना देता, इसीलिए गोली चलाया। उन लोग कहाँ छोटू है, नियाज है, अरशद है, 3 लोग थे वो लोग और गांव के लोग दौड़े सब, उसको पकड़ा लिया था, वो छूट गया, उन्हें गोली चलाना शुरू कर दिया। उन लोग रंगबाज है, एक रोज रात में और बम बम मार के गया था आपको मोहल्ले में, अच्छा घूस के अंदर में बम बम मार के गया था, भाग गया था। वो रोज भी लोग दौड़े थे, न पकड़ाया, भाग गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज भागलपुर साइंस कंपाउंड दक्षिणी गेट के समीप जागरूकता रैली को रवाना किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से निकाली गई बाइक रैली को DTO फिरोज अख्तर और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पुलिस केंद्र होते हुए शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों पर पहुंची। इस बीच सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने बाइक सवार लोगों को सड़क सुरक्षा माह के बारे में जानकारी देने के साथ जीवन रक्षा के प्रति भी जागरूक किया। वही जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने राष्ट्र सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और यातायात नियमों की जानकारी दी। DTO ने सभी वाहन स्वामी और चालकों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाने, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने और बिना मादक पदार्थों का सेवन किए वाहन चलाने की अपील की। इधर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना से बचने के लिए बाइक चालक सहित पीछे बैठे व्यक्ति से भी हेलमेट पहनने की अपील की और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। 18 जनवरी से ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान हम लोगों के बीच विभिन्न माध्यमों से, रैली के माध्यम से, अन्य कार्यक्रम के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के जो भी नियम हैं, जितने भी नियम हैं, सारे नियमों का पालन करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पराक्रम दिवस के अवसर पर शनिवार को भागलपुर प्रधान डाकघर परिसर में कैंसिलेशन स्टैंप समारोह का आयोजन किया गया। बिहार सर्कल अंतर्गत भागलपुर फिलाटेली ब्यूरो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कैंसिलेशन स्टैंप निर्गत किया गया। साथ ही नेताजी को नमन करते हुए देश की आजादी में उनके द्वारा दिए गए योगदानों को याद किया गया। वहीं डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर देश के सभी प्रधान डाकघरों में नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है और इस मौके पर देश के प्रति सच्ची निष्ठा से कार्य करने के साथ सबों को अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होने की जरूरत है। कार्यक्रम में फिलाटेलिस्ट राहुल रोताश्व ने नेताजी की स्मृति में जारी किए गए स्टैम्प की प्रदर्शनी लगाई और इससे संबंधित जानकारी साझा की। इस मौके पर वरीय उप समाहर्ता मनीष कुमार, प्रधान डाकघर के डाकपाल सुनील कुमार सुमन, विजयकांत मिश्रा समेत डाकघर के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। भारत सरकार के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा विशेष तौर पर आज सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में सभी प्रधान डाकघर में यह दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में डाक विभाग के हरेक प्रधान डाकघर में कैंसिलेशन टिकट, कैंसिलेशन स्टाम्प निर्गत किया जा रहा है। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस का नारा है और आज इसी स्वरूप में नौजवानों को प्रेरणा मिलती है और इसी के वजह से आज जो आज़ादी मिली है ये आज़ादी बरकरार रहेगा। जिससे जिस नौजवानों से सुभाष चंद्र बोस से जो मैसेज मिला है वो काबिले तारीफ है और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है कि अभी आपने कहा कि प्रेरणा के स्रोत हैं या फिर जो दिवस मनाया जा रहा है और 125वां जन्मदिन है ये सब दिन मनता रहेगा। कहा जाता है कि कभी तिरंगा के छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा, धैर्य एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाए। जो इतनी वीर गाथा जिसके बारे में पूरा देश जानता है और पूरा देश उसके लिए उससे प्रभावित है और इसका जवाब हमारे नौजवान को मिलना चाहिए कि इसकी मृत्यु हुई कैसे। दिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में फिनांस कमेटी की बैठक शनिवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्ष 21-22 के बजट प्राकलन पर विचार विमर्श हुआ। वहीं बजट में कुछ संशोधन का सुझाव सदस्यों ने दिया। निर्णय लिया गया कि बजट प्राकलन को संशोधित करते हुए आगामी वित्त समिति की बैठक में इसे रखा जाएगा। वित्त समिति की बैठक में आगामी सीनेट की बैठक के आयोजन के लिए आवश्यक व्यय पर सहमति बनी और वित्तीय नियमों का पालन करते हुए राशि व्यय का निर्णय लिया गया। वहीं पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि राजभवन के निर्देशानुसार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 46वें दीक्षांत समारोह के आयोजन पर होने वाले व्यय पर आगामी फाइनेंस कमेटी की बैठक में विचार किया जाएगा। भागलपुर महादेव सिंह कॉलेज कर्मचारियों ने बकाया अनुदान के भुगतान के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी को आवेदन दिया। वहीं शुक्रवार को विश्वविद्यालय पहुंचे कर्मियों ने कहा कि वे 1984 में बहाल हुए थे और लगातार सेवा में हैं। इसी को लेकर राजमणि मिश्र ने बताया कि इस बीच उन लोगों को वर्ष 2011 में अनुदान का भुगतान हुआ था और अब सरकार ने 2012 के अनुदान के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन प्रचार डॉक्टर KG प्रभात अनुदान की राशि देने में पेच फंसा रहे हैं। हम लोग अनुदान के लिए आए हैं, हम लोग 84 से बहाल हैं और 9, 10, 11 अनुदान मिला है और 12 का अनुदान आया हुआ है जो प्रशासक का कहना है कि आप लोगों को नहीं मिलेगा। महादेव सिंह महाविद्यालय भागलपुर। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती को लेकर शनिवार को भागलपुर के घंटाघर स्थित होटल में शिव सैनिकों ने केक काटा। इस दौरान शिवसेना जिला अध्यक्ष विपिन कुमार यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाला साहेब को नमन किया और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी शिवसेना की सरकार बनाने का संकल्प लिया।
साथ ही कहा कि बिहार की शिवसेना बिहारियों के हित की बात करेगी, जिससे राज्य विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सके। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने बाला साहेब और पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की और एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। मौके पर प्रदेश महासचिव रविंद्र तिवारी, अजय कुमार चौबे समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयंती पर याद किए गए भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रक्तदान उत्सव आयोजित कर बिहार बंगाली समिति ने दी श्रद्धांजलि। रेंज डीआईजी और एसएसपी ने बात थाना का किया औचक निरीक्षण, लंबित कांडों के निष्पादन और अपराधियों पर नकेल कसने के दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस पर भागलपुरी सिल्क से बने तिरंगे की बड़ी डिमांड, राजधानी समेत कई जिलों से मिला ऑर्डर। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा हुसैनाबाद का कुरैसी टोला, रुपए लेन देन विवाद को लेकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली। और सड़क सुरक्षा का संदेश देने निकली हेलमेट बाइक रैली, डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।